हेलो दोस्तों, टाटा कंज्यूमर और टाटा कॉफी दोनों के बीच में एक इवेंट हो रही है, ग्रुप लेवल सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। और चूंकि ग्रुप लेवल में ही सिंप्लीफिकेशन हो रहा है तो वीडियो भी सिंप्लीफाई होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में हम आपको बताने वाले हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है दोनों कंपनियों के बीच में। रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, उसकी डिटेल्स हम आपको बताएंगे, इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस बताएंगे, और जो कंपनियां हैं टाटा कंज्यूमर और टाटा कॉफी, उन दोनों के बारे में, उन दोनों के बिजनेस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात समझ लीजिए, रिकॉर्ड डेट में, अभी रिकॉर्ड डेट अभी तक आई नहीं है, तो किसी भी इन्वेस्टर के पास टाटा कॉफी के समझ लीजिए 10 शेयर हैं टाटा कॉफी के, तो उनको 3 शेयर टाटा कंज्यूमर के यहां पर मिलेंगे। तो ये अभी तक, अभी ये चल रहा है, तो सिर्फ न्यूज ही आई है, इवेंट ही आई है, और रिकॉर्ड डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई। लेकिन ये सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है कि 10 शेयर टाटा कॉफी और 3 शेयर टाटा कंज्यूमर। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने इसको बहुत ही अच्छा पॉजिटिव लिया है। आप टाटा कंज्यूमर का प्राइस देख सकते हैं 30 मार्च को, आप देख सकते हैं 3% ये ऊपर गिरे, ऊपर इनफैक्ट गया है यहाँ पर। और जब ये टाटा कॉफी की जब हम बात कर रहे हैं, तो टाटा कॉफी आप देख सकते हैं, आपके सामने मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि किस हिसाब से टाटा कॉफी का भी शेयर प्राइस 8.5% यहाँ पर ऊपर गया है, 16.75 पॉइंट ऊपर गया है, 213 रुपए के पास ये बंद हुआ है। मतलब मार्केट ने जो रीऑर्गेनाइजेशन है उसको बहुत ही पॉजिटिवली लिया हुआ है। अब ये रीऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए टाटा कंज्यूमर जो है, जो आप यहाँ पर TCPL देख रहे हैं, ऑलरेडी ओन करता है टाटा कॉफी को। अब टाटा कॉफी के दो बिजनेस हैं, एक है एक्सट्रैक्शन और ब्लेंडेड वाला बिजनेस, और दूसरा बिजनेस है प्लांटेशन वाला बिजनेस। तो जो प्लांटेशन वाला बिजनेस है उसका टोटली डी मर्जर हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा टाटा कॉफी से। जो प्लांटेशन वाला बिजनेस है पूरा अलग हो जाएगा और एक नई कंपनी बन जाएगी टाटा कंज्यूमर या TCPL बेवरेजेस एंड फूड करके। और जो दूसरा बिजनेस जो है एक्सट्रैक्शन ब्लेंडेड और ब्रांडेड वाला जो बिजनेस है वो पूरा मर्ज हो जाएगा टाटा कंज्यूमर के अंदर हो जाएगा। और उसके बाद शेयर्स जो है इशू होंगे, जैसे हमने देखा कि 10 शेयर अगर आपके पास टाटा कॉफी के हैं तो आपको 3 शेयर मिलेंगे टाटा कंज्यूमर के। तो इन द एंड क्या होगा, जो भी ब्रांडेड वाला जो बिजनेस है वो पूरा टाटा कंज्यूमर के अंदर में ही चला गया, और जो प्लांटेशन वाला जो बिजनेस है वो एक अलग बिजनेस रहा, लेकिन उसको 100% टाटा कंज्यूमर जो है वो ओन करेगा, और टाटा कंज्यूमर को जो उनके जो प्रोमोटर ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, वो ओन कर रहा है। तो एक तरीके से टाटा कंज्यूमर ने जो ब्रांडेड वाला एक्सट्रैक्शन वाला बिजनेस जो है टाटा कॉफी का वो अपने अंदर ले लिया है, और जो प्लांटेशन वाला बिजनेस है वो उन्होंने अलग कर दिया है, लेकिन उसको भी वो ओन करने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना। अब ये तो हुआ ही है, उसके अलावा एक और इवेंट हुई है कि टाटा कंज्यूमर का यूके का जो बिजनेस है वहां पर भी उनकी ओनरशिप है, अब उस ओनरशिप को भी वो 100% वहां पर कर देंगे। तो ये दो चीजें यहां पर हुई है। अब इंपॉर्टेंट है टाइमलाइंस, ये कब तक होगा, तो ये बहुत जल्दी नहीं होने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये एक लंबी टाइमलाइन यहां पर है, क्योंकि NCLT में ये जाएगा, शेयर होल्डर्स जो है उनका अप्रूवल चाहिए, तो ये सब पूरा प्रोसेस है। तो अभी हम बिल्कुल शुरुआत में है यहाँ पर, जहाँ मार्च 2022 में ये बोर्ड अप्रूवल और ये सब चीज़ें अभी आई है, एक्सचेंज में फाइलिंग हुई है। तो ये होते होते अभी तक, अगर आप अगले साल मार्च तक जाएं, 2023 मार्च, मतलब 12 महीने के बाद, ऑलमोस्ट इसी समय में ये एक्सपेक्टेड है कि NCLT के अप्रूवल्स आ जाएंगे, और जो लिस्टिंग है और जो भी शेयर्स हैं ये सब एक्सपेक्टेड 2024 फाइनेंशियल ईयर में है। दैट मींस अगले साल कहीं ना कहीं Q1-2, अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो Q1 के आसपास ये होगा, मतलब 2023 अगला साल, तो अप्रैल मई जून उस समय। तो जो भी हो, 12 से 15 महीने का ये पूरा इंप्लीमेंट होने में समय लगेगा। तो इसीलिए अगर आपका लेट से प्रश्न है कि मैं टाटा कॉफी का शेयर ले लूं तो मुझे टाटा कंज्यूमर का शेयर मिलेगा, तो अभी फिलहाल आंसर यस है, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि अभी तक रिकॉर्ड डेट आई नहीं है, अभी भी बहुत सारे अप्रूवल्स आने बाकी हैं, अप्रूवल्स आते रहेंगे जाएंगे, चीज़ें थोड़ी गति से चलती जाएगी, तो हमको और आइडिया आता रहेगा। तो फिलहाल हमने देखा
कि ये 12 से 14 महीना यहाँ पर लगेगा जहां पर लिस्टिंग और जो ट्रेडिंग है नए जो टाटा कंज्यूमर के जो स्टॉक्स हैं उनकी यहाँ पर होगी। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब टाटा कंज्यूमर देखिए, हम फूड एंड बेवरेजेस में देख रहे हैं, बड़ा नाम है चाय, टाटा टी यहाँ पर हम देख सकते हैं, टेटले ये एक यूके में बहुत बड़ा ब्रांड है, फिर कॉफ़ी में 8 o'clock है, टाटा नमक, टाटा सॉल्ट जो है जैसे देश का नमक, और बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती रहती है, तो ये सबसे बड़ा सॉल्ट का ब्रांड है वो टाटा कंज्यूमर के अंतर्गत ही आता है, फिर मिनरल वाटर ब्रांड है हिमालयन करके, फिर टाटा संपन्न करके है जो जो दाल है स्पाइसेस है उनका ब्रांड है, तो ये सब टाटा कंज्यूमर के अंदर में अभी आता है। और एक रेवेन्यू भी आप देखेंगे तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 11,600 करोड़ का रेवेन्यू भी उनका था। अब टाटा कॉफ़ी के अंदर में क्या आता है, तो प्लांटेशन का बिजनेस तो है ही, कॉफ़ी का प्लांटेशन है, फिर टी का प्लांटेशन है, तो ये बिजनेस पूरा अलग होने वाला है जो हमने डिस्कस किया था, एक अलग ही TCPL जो बिजनेस F&B जो है बिजनेस वहाँ पर वो चला जाएगा, लेकिन उसके अलावा एक्सट्रैक्शन भी करते हैं और ब्रांडेड कॉफ़ी जो है यहाँ पर वहाँ पर भी मेजोरिटी होल्डिंग है, तो ये सब जो बिजनेस है एक्सट्रैक्शन का तो ये सब बिजनेस अभी अंदर चला जाएगा टाटा कंज्यूमर के अंदर, और प्लांटेशन एक अलग सब्सिडरी रहेगी लेकिन 100% ओन टाटा कंज्यूमर ही करने वाला है। तो इंस्टेंट कॉफी में ये नंबर 2 एक्सपोर्टर है और बाकी उनका जो बिजनेस है एक्सट्रैक्शन का और प्लांटेशन का तो है ही चाय और ये सब। तो दोनों शेयर होल्डर को फायदा है, सबसे पहले टाटा कॉफी के शेयर होल्डर को कैसे फायदा है, उनको एक बड़ा एक जो ब्रांड है उनके साथ एक मौका मिल रहा है और फुल फ्लेज्ड FMCG कंपनी जो है वो बन सकते हैं, बहुत सारे जो जो बिजनेस आउटलुक है बहुत ही प्रॉमिसिंग है तो वो उनको एडवांटेज मिल सकता है, मार्केट कैप जो है तो वो है कि वो और ज़्यादा यहाँ पर अभी है, तो ये उनके लिए भी फायदा है। टाटा कंज्यूमर जब आप देखेंगे तो सिनर्जीज होंगे, बहुत सारे जो ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव जो खर्चे हैं बहुत हद तक यहाँ पर सिनर्जाइज हो सकते हैं, एफिशिएंसी होंगी, मैनेजमेंट जो है फोकस्ड वे में काम कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन और फोकस्ड वे में काम कर सकता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि बहुत जगह में फिर मैनेजमेंट को भी अपना फोकस इधर उधर नहीं करने की ज़रूरत होगी, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा जब आप मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव जो थॉट प्रोसेस है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो टाटा कंज्यूमर के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। अलग अलग सिनर्जीज हैं, रेवेन्यू और डिस्ट्रीब्यूशन है तो यूनिफाई हो जाएगा, एक्सट्रैक्शन बिजनेस को बड़ा ज्योग्राफिकल रीच में पहुंच सकते हैं, मैन पावर का बहुत ही एफिशिएंट और ऑप्टिमाइज्ड यूज़ यहां पर हो सकता है, तो ये सब कुछ एफिशिएंसीज हैं, ये सब कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जो दोनों ही बिजनेस को एक यूनिक बिल्कुल बना सकती है। और जब ये टारगेट जब भी ये न्यूज़ आई तो उसके बाद कुछ ब्रोकरेजेस ने भी टारगेट दिए हैं, जैसे टाटा कंज्यूमर का एक्चुअली टारगेट दिया, जैसे JP Morgan ने न्यूट्रल और 760 का टारगेट दिया है, JM फाइनेंशियल ने 805 रुपये का टारगेट दिया है, और मॉर्गन स्टैनली ने 886 का टारगेट दिया है, और उन्होंने कहा है कि ये 5-10% अर्निंग एक्रेटिव ये जो भी ट्रांजेक्शन है ये हो सकता है। तो सिंप्लीफाई हो रहा है, मैंने कोशिश की है सिंप्लीफाई करके आपको भी समझाने की, ज़रूर बताइए आपके व्यूज़ क्या है कॉमेंट सेक्शन में, आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।